महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दूसरे दौर की कहर को कड़ाई से रोकने के लिए उद्धव सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बुधवार को 8 बजे से निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की है। नए प्रतिबंध अगले 15 दिनों तक जारी रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्शे वालों को भी 1500 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा आदिवासियों को भी 2000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऐसे में केंद्र सरकार सड़क के रास्ते के साथ साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन भेजे, बाकी राज्यों से भी हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही के कारण मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के नालासोपारा की एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 7 मरीजों की जान चली गई। इस मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा खूब किया। 100 करोड़ की चिट्ठी के मामले में सीबीआई आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के संगीन आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए मुंबई और में मौजूद सीबीआई की टीम ने मंगलवार को अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आज लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एजेंसी के अनुसार मंगलवार को कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में मुंबई के प्रवासियों की भारी भीड़ जमा हुई। यूपी सरकार के एक दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी कोरोना की चपेट में आए। वित्त सचिव संजय कुमार और विशेष सचिव समेत वित्त विभाग के करीब 20 लोग कोरोना संक्रमित मिले। आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में कोरोना के नए नियम लागू हो जाएंगे और धारा 144 भी लागू रहेगी। महाराष्ट्र में आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाएं बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम से उद्योगों के लिए मदद की भी अपील की है।